हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जमशेद स्टाइल ब्लॉग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यामाहा MT125 बाइक के बारे में और KTM ड्यूक 125 बाइक के बारे में। तो गाइस, ये तो आपको पता होगा कि ये दोनों ही बाइक इंडियन ट्यूनर मार्केट में अब बहुत जल्द लॉन्च होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा दोनों ही बाइकों के कलर ऑप्शन के बारे में और प्राइस के बारे में कि इन दोनों बाइकों के प्राइस क्या रहने वाले हैं और लॉन्चिंग डेट क्या रहने वाली है और कलर ऑप्शन क्या रहने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यामाहा MT125 बाइक के कलर ऑप्शंस के बारे में। तो गाइस, आपको इंडियन ट्यूनर मार्केट में यानी कि 2022 में जो मिलने वाले हैं कलर, तो पहला जो कलर है आइकन ब्लू है और सेकेंड जो कलर है टैग ब्लैक है और थर्ड जो कलर है स्टॉर्म ब्लू है। तो गाइस, यामाहा MT125 के अंदर आपको ये तीन कलर्स मिलने वाले हैं। और गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस के बारे में, तो आपको प्राइस जो रहने वाले हैं वो 1,20,000 रहने वाले हैं, यानी कि 1,20,000 रुपये यामाहा MT125 के रहने वाले हैं। और गाइस, ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हर जगह के अलग होते हैं। तो गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ KTM ड्यूक 125 बाइक के बारे में, यानी कि इसके कलर ऑप्शंस के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि KTM का जो कलर है यानी कि ब्रांड है, जो पहचान है, वो ऑरेंज से स्टार्ट होती है। तो गाइस, पहला जो कलर आपको मिलने वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज ही मिलने वाला है और सेकेंड जो कलर मिलने वाला है वो सेरामिक वाइट मिलने वाला है। तो गाइस, KTM ड्यूक 125 के अंदर आपको टू कलर्स मिलने वाले हैं। तो गाइस, ये जो बाइक है इंडियन मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। तो गाइस, अब मैं बात कर लेता हूँ इस बाइक के प्राइस के बारे में, यानी कि एक्सरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस, एक्सरूम प्राइस जो रहने वाले हैं KTM ड्यूक 125 के जो रहने वाले हैं वो 1,75,942 रुपीज़ रहने वाले हैं, यानी कि 1,75,942 रुपये 125 के रहने वाले हैं। तो गाइस, आपको पता होगा कि KTM जो एक बहुत बड़ी ब्रांड है अपने आप में, तो इसके जो प्राइस हैं थोड़े से हाई लेवल रहते ही हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ तो MT125 से तो खैर ज़्यादा ही रहेंगे, क्योंकि यामाहा एक अलग चीज़ है और KTM एक अलग चीज़ है। तो गाइस, आपको दोनों ही बाइकों के बारे में मैंने कलर ऑप्शंस के बारे में बता दिया है, क्योंकि ये दोनों ही बाइक अभी इंडियन मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाली हैं। और गाइस, लॉन्चिंग डेट के बारे में अगर बात करूँ तो दोनों ही बाइक या तो 2022 के लास्ट में आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएंगी या फिर 23 के स्टार्टिंग में आपको दोनों ही बाइक देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस, आपको पता चल ही गया हो कि दोनों ही बाइकों के कलर ऑप्शंस क्या हैं और प्राइस क्या रहने वाले हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो गाइस, ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि हर जगह के, हर स्टेट्स के अलग होते हैं। लाइक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसी एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।